everyone, welcome to my channel. We will learn today English grammar. आज हम English grammar में जानेंगे gender के बारे में. ये जो topic होगा ये ना केवल आपके academic exam के लिए बल्कि आपके competitive exam के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. सो वीडियो को skip ना करें, पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. तो चलिए हम लोग जेंडर के डिफिनेशन को जाने. जेंडर इज द टाइप ऑफ नाउन. जेंडर क्या है? एक प्रकार का नाउन है. दैट टेल्स द जेंडर ऑफ ए पर्सन एनिमल, जो किसी भी पर्सन और एनिमल को बताता है. ठीक है. दैट इज विच शोज द कास्ट ऑफ वर्ड्स. ये क्या बताता है? शब्दों को बताता है. किस तरह के शब्दों को? हम लोग बोलते हैं हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बोलते हैं ना, यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन. ये हम लोग बोलते हैं हमेशा, यानी पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है. ठीक है, आप आगे समझ लें. अब देर आर फोर जेंडर्स होते हैं. पहला होता है मैस्कुलिन, दूसरा होता है फेमिनिन, तीसरा होता है कॉमन और चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर. यानी ये चार प्रकार के जेंडर होते हैं. आप इसे याद कर लें, आत्मसात कर लें. ठीक है, हम लोग अब जाने इनका जो डिफिनेशन क्या है. अब आता है मैस्कुलिन जेंडर. यानी मैस्कुलिन जेंडर क्या होते हैं? नाउन किसी व्यक्ति पशु का पुल्लिंग इंगित करता है. जब नाउन जो है किसी पर्सन को या किसी भी एनिमल को क्या करता है? पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन सिंबल बताता है, उसके सिंबल को बताता है. तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं. आप इसको एग्जांपल के द्वारा कैसे समझेंगे? मैन, बॉय, डॉग, लायन, हॉर्स एक्सेट्रा. तो इस तरह से आप समझ गए कि पुल्लिंग जेंडर क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है. अब आप जान लें फेमिनिन, जो फेमिनिन जेंडर है वह क्या होता है. फेमिनिन जेंडर किसी व्यक्ति पशु या स्त्रीलिंग को दर्शाता है. तो आप इसके एग्जाम्पल से कैसे परिचित होंगे? तो आता है ओमेन, गर्ल, बीच, लॉयनेस, इसके बाद मेयर. ठीक है, एक्सेट्रा. आप आगे जान लें. अब आता है कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर दोनों यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है. किसका? कॉमन जेंडर का. ठीक है, एग्जाम्पल है डॉक्टर. डॉक्टर तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होता है. पेरेंट्स माता पिता दोनों होते हैं. चाइल्ड लड़की भी होती है, लड़का भी होता है. टीचर स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होते हैं. फ्रेंड स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होते हैं. और इसके साथ सर्वेंट एक्सेट्रा. आप समझ रहे हैं? तो कॉमन जेंडर आप समझ गए कि दोनों यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों होते हैं. हम लोग जानेंगे न्यूट्रल जेंडर के बारे में. आप बातों को समझ रहे हैं? यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आपका लाइक आपका शेयर हमें अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है. तो हम लोग जान लें न्यूट्रल जेंडर के बारे में. न्यूट्रल जेंडर क्या है? न्यूट्रल जेंडर ए नाउन. तो नाउन को दर्शाता है, नाउन को बताता है. न्यूट्रल जेंडर किसको बताता है? नाउन को. अब जैसे एग्जाम्पल ट्री. अब आप सोचिएगा कि पेड़ क्या है, फेमिनिन है ना मैस्कुलिन है, तो बड़ा मुश्किल इसे क्लासिफाई करना है ना. बोट नाव, पेंसिल माउंटेन एक्सेट्रा. ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली. यदि आपको वीडियो पसंद आया अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.